देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं मुंबई प्रेस। कठुआ गैंग रेप केस और मर्डर केस में अदालत का फैसला आ गया है। अदालत ने पहले इस मामले के कुल 7 आरोपी थे, जिनमें से 6 को दोषी करार दिया और सजा का ऐलान भी कर दिया। अदालत ने 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 3 को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। 3 दोषियों पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 3 दोषियों पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि कठुआ जो था वो बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड था जो जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसमें से कुल 7 आरोपी थे, जिसमें से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने 1 को बरी कर दिया है, और जो 3 आरोपी थे जिनको उम्र कैद की सजा हुई है वो हैं दीपक खजूरिया, सांझी राम और प्रवेश। इन पर 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि बाकी जो 3 आरोपी हैं उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई गई है और 50,000 का जुर्माना अदालत ने लगाया है। मंदिर के संरक्षक व ग्राम प्रधान सांझी राम, विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया, सब इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है, जो करीब 25 साल की है। सांझी राम के बेटे विशाल को बरी कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इस मामले की जो चार्जशीट थी उसके अनुसार कठुआ जिले के रसाना गांव में पिछले साल 10 जनवरी को 8 साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद गांव के एक मंदिर में कथित तौर पर उसके साथ 4 दिन तक दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद उसको लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में जब बच्ची का शव छत बिछत हालत में मिला तो पूरे देश का गुस्सा और विरोध प्रदर्शन जो है सामने था, और इसीलिए सरकार पर दबाव बना इस मामले पर कार्रवाई करने का, और इसके बाद जो है आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। देखते रहिए मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।